सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखने जा रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं भदोही जिले की आज की अहम फटाफट खबरों पर। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराने वाली वाराणसी की पीड़िता को शायद अब सत्ता बदलने का डर सताने लगा है। वाराणसी की इस पीड़िता ने अपना एक वीडियो व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दो पेज का पत्र वायरल किया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। वायरल किए गए पत्र में वाराणसी की इस पीड़िता ने कहा है कि ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिजन अब उसे तरह तरह से धमकी दे रहे हैं, जिससे खुद वह और उसका परिवार डरा सहमा हुआ है। पीड़िता ने कहा कि विधायक के परिजन उसे व उसके शुभचिंतकों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। पत्र व वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि शायद पीड़िता को सत्ता बदलने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि पीड़िता अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार राम प्यारे नामक 80 वर्षीय वृद्ध की जहां मौत हो गई है, वहीं बाइक चला रहा मृतक का 28 वर्षीय चंद्रमणि नामक नाती घायल हो गया है। बताया जाता है कि इलाके के भगवानपुर चौथार निवासी राम प्यारे अपने नाती चंद्रमणि के साथ बाइक से गोपीगंज किसी की चक्की बनाने जा रहा था, तभी यह हादसा भगवानपुर चौथार के समीप हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले एक पिकअप ने बाइक में टक्कर मारी, जिससे राम प्यारे ऑटो से जा टकराया। सिर में गंभीर चोट आने के कारण मौके पर ही राम प्यारे की मौत हो गई। घटनास्थल पर परिजनों के साथ गोपीगंज पुलिस भी पहुंच गई थी। घायल को सीएससी गोपीगंज में भेजते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नगर पालिका परिषद भदोही के अधीन मर्याद पट्टी मामदेवपुर में स्थित इंदिरा आवास कॉलोनी वासियों का सब्र अब टूटता जा रहा है। काश पानी, साफ सफाई, जल निकासी जैसी मूलभूत समस्याओं से त्रस्त कॉलोनी के आवंटियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद भदोही का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मी देवी, साजिया बानो, रीना, नजमा आदि ने कहा कि कॉलोनी में समस्याओं का अंबार है। ट्यूबवेल बंद पड़ा है, परिसर में लगा हैंडपंप खुद बीमार है, जिससे कॉलोनी वासियों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। साथ ही साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। विद्युत खंभों पर प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका परिषद का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुविधाओं की मांग की है। कहा कि अगर समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आवंटीगढ़ नगर पालिका परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। चौरी परसीपुर रेलवे स्टेशन पूर्वी केबिन के पास पैसेंजर यात्री ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक का शव रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पड़ा था। यह नजारा देख मालगाड़ी के चालक ने ट्रेन खड़ी कर दी। करीब आधे घंटे के बाद शव हटाए जाने के बाद मालगाड़ी रवाना हो सकी। युवक चौरी इलाके के चांदी गहना निवासी अपने मामा बबलू शुक्ला के घर रहता था। मृतक युवक का नाम विवेक पांडे है तथा वह जौनपुर के निवड़िया गांव का निवासी है। बचपन से ही विवेक पांडे अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। युवक की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस हादसे से उसके परिजन भी परेशान हैं। मुखबिर की सूचना पर भदोही जिले की क्राइम ब्रांच, भदोही शहर कोतवाली व आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से भदोही के पिपरिस गांव में छापा मारकर नकली शराब बनाने के फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि नकली शराब बनाकर सरकारी शराब की दुकानों से बेची जाती थी, जहां सरकारी शराब के दुकानदार के घर पर पुलिस ने छापा मारकर 3 ड्रम केमिकल, 48 लीटर कच्ची शराब, खाली शीशी, ढक्कन व रैपर बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने सुभाष चंद गौतम, गुलाब चंद गौतम निवासी रमैया पिपरिस व असनाव बाजार के सुरेश यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों ने बताया कि भदोही शहर के खमहापुर निवासी क्रांति बिंद शराब पैकिंग के लिए खाली सीसी उपलब्ध कराता था। पुलिस की माने तो मौके से अविनाश बिंद व कालू नामक व्यक्ति फरार हो गए हैं। औराई कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे औराई ओवरब्रिज के समीप शुक्रवार की रात बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। इसमें एक बच्चा सहित कुल 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक पर 2 लोग सवार थे। बाइक औराई से घोसिया की तरफ जा रही थी, वहीं साइकिल सवार घोसिया से मटियारी गांव जा रहा था,
तभी ओवरब्रिज के सभी पिया हादसा हो गया। हादसे के बाद बाइक व साइकिल सवार युवक मौके पर ही बेहोश हो गए। बाइक पर सवार 9 वर्षीय बच्चा भी घायल हो गया। नाम व पता बता पाने में बच्चा असमर्थ था। किसी तरह राहगीरों ने उसे घर का मोबाइल नंबर मांगा। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों बाइक सवारों को साथ ले गई। वहीं जब काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची तो राहगीरों ने घायल साइकिल सवार को समीप के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अड़गमा मोड़डीह निवासी पूर्व प्रधानाचार्य देव कृष्ण पांडे की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने एसपी भदोही को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सेवा श्रम इंटर कॉलेज सूर्यामा के पूर्व प्रधानाचार्य देव कृष्ण पांडे की उनके आवास पर संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जहां उनके पुत्र जयराम पांडे ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से गुहार लगाई। शिकायत के बाद उप मुख्यमंत्री ने एसपी भदोही को जांच कर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार की शाम ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के राजा पार्क के समीप एक चाय पान की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते लोगों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुरानी बाजार निवासी साहिद नामक एक युवक राजा पार्क के समीप एक दुकान में चाय पान की दुकान चलाता है। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की शाम दुकान बंद कर वह घर चला गया। कुछ ही देर बाद दुकान के भीतर से तेज धुआं व आग की लपटें निकलते देखी गई। चौकन्ने हुए पड़ोसियों ने इसकी सूचना साहिल को दी। प्रयास करने पर जब शटर नहीं खुला तो ताला तोड़ दिया गया। राहगीरों व पड़ोसियों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण दुकान में जलती हुई मोमबत्ती बताई गई है। दुकानदार के मुताबिक लगभग 5,000 का नुकसान हुआ है। अन्य कुब्ज वैश्य हलवाई समाज गोपीगंज के बैनर तले शुक्रवार को नगर के एक प्रतिष्ठान में धूमधाम के साथ मदन सेन महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूजा व अनुष्ठान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे पहले समाज के नगर अध्यक्ष आनंद मोदलवाल ने मदन सेन महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। वक्ताओं ने अपने विचार रखे, कहा कि हलवाई समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय हलवाई संघ कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक मदनवाल, आशीष मदनवाल, किशन मदनवाल, धीरज आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा हृदय पट्टी के ग्राम प्रधान पर जबरन निजी भूमि पर चक्रोड बनवाए जाने का आरोप लगा है, जहां हृदय पट्टी निवासी सत्यनारायण दुबे ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2015 में एक भूमि का बैनामा कराया था, अब उसी भूमि पर जबरन ग्राम प्रधान चक्रोड बनवा रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। हृदय पट्टी निवासी सत्यनारायण दुबे ने शिकायती पत्र देते हुए निजी भूमि पर हो रहे चक्रोड के निर्माण को रोके जाने की मांग की है। शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने तहसीलदार को मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। गोपीगंज इलाके के गिराई विद्युत उपकेंद्र के रिले में आई खराबी को ठीक कर रहा अशोक कुमार नामक एक विद्युत कर्मी झुलस गया है। कई दिनों से रिले में खराबी थी, जिसे ठीक करने के लिए अशोक कुमार पहुंचा था। रिले ठीक करते समय वह घायल हो गया। संविदा कर्मियों का आरोप है कि बगैर सुरक्षा किट के ही जिम्मेदार काम कराते हैं, जिससे अक्सर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। घायल कर्मी अशोक कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है। भदोही वाराणसी मार्ग पर स्थित चौरी बाजार का प्रसिद्ध रामलीला मंचन गुरुवार की रात से शुरू हो गया। प्रगति परिषद एवं रामलीला परिषद के तत्वाधान में रामलीला मंचन चल रहा है। चौरी के प्रसिद्ध रामलीला का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव व उनकी पत्नी सुनीता यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया है। भगवान श्री राम की आरती के बाद रामलीला का मंचन शुरू किया गया। इस दौरान सपा नेत्री व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव ने कहा कि सांस्कृत एवं परंपरा अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामलीला जैसे आयोजन हमेशा से आपसी एकता एवं भाईचारे का संदेश देते हैं। इस मौके पर संतोष यादव, राजवली पटेल, भगवती सेठ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कमेटी के मीडिया प्रभारी विनोद द्विवेदी ने किया।
ज्ञानपुर के केएनपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारी में महाविद्यालय प्रशासन जुट गया है, जहां शुक्रवार को चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा प्राचार्य द्वारा किया गया है। सांस्कृतिक विभाग अध्यक्ष की डॉक्टर ऋचा को चुनाव प्रभारी का घोषणा पत्र देते हुए प्राचार्य ने चुनाव के तारीखों की ऐलान की बात कही है, ताकि छात्र छात्राओं के बीच महाविद्यालय के चुनाव का इंतजार खत्म हो सके। दुर्गालंग थाने के समीप खाद केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इलाके के किसान हलकान हैं। केंद्र पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी की लेट लतीफी की वजह से किसान घंटों भूखे प्यासे डीएपी खाद के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। समय से केंद्र के कर्मियों के न आने की वजह से किसान हलकान हैं। केंद्र पर पहुंचे किसान सुरेश कुमार यादव ने बताया कि केंद्र को लगभग 11 बजे के आसपास खोला जाता है। अधिकारियों व कर्मचारियों की लेट लतीफी के चलते किसानों की भीड़ केंद्र पर उमड़ पड़ती है। किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खाद केंद्र को समय से खोले जाने की मांग की है। नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 5 लोहिया नगर में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। यही पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे रास्ता भी बदहाल हो गया है, सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। लेकिन नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि फत्तूपुर अमरौना में पानी की टंकी है, जहां टैंकर में पानी भरने के लिए एक वाल्व लगाया गया है। यह वाल्व खुला रहता है, जिससे इलाके में जलजमाव हो रहा है और हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। औराई इलाके के लक्ष्मण पट्टी कटेवना निवासिनी राम राजी ने उप जिलाधिकारी औराई को एक पत्र देते हुए गांव के कोटेदार पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि कोटेदार द्वारा उसके परिजनों के नाम से राशन उठाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर नाम तो काट दिया गया, लेकिन इतने दिनों तक उठाए गए राशन की रिकवरी नहीं हो सकी। कहा कि शिकायत को लेकर कोटेदार लगातार धमकी दे रहा है और दबाव बनाकर सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कोटेदार के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराए जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। औराई थाना इलाके के उपरोट गांव में कुछ मनबड़ों ने कबाड़ की फेरी करने वाले बड़े लाल बिंद नामक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया है। बताया जाता है कि साइकिल की भिड़ंत के बाद गांव के ही साहिल सरोज व राहुल ने बड़े लाल बिंद को एक भट्ठे पर ले जाकर मारपीट कर घायल कर दिया और पास में रखा पैसा भी छीन लिया। सूचना पर बड़े लाल बिंद के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पिटाई से बड़े लाल बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस उसे सीएससी औराई ले आई, जहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इस संबंध में बड़े लाल बिंद ने औराई कोतवाली में तहरीर दी है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षण कार्य कर रहे लोगों ने अपनी मांगों को लेकर भदोही जिला मुख्यालय पर पहुंचकर हुंकार भरी। वेतन भुगतान प्रताड़ना सहित 3 सूत्री मांग को लेकर शिक्षक संघ ने हुंकार भरी है। कहा कि कुछ लोगों को विद्यालय में भेजकर सेवा समाप्त करने की धमकी देने के साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा कि प्रबंधक के निर्देश के बावजूद भी अक्टूबर माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन में बाबूसराय इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक गण मौजूद रहे। भदोही शहर के सड़कों के किनारे बगैर लाग बाइक खड़ी करने वाले वाहन स्वामियों की सामत आ गई है। ऐसे वाहनों के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। शुक्रवार को पुलिस के इस अभियान ने बाइक स्वामियों में हड़कंप मचा दिया, जहां भदोही कोतवाली के दर्जनों पुलिसकर्मी भदोही शहर के लिप्पन तिराहा निर्यात भवन सहित कई बैंकों व दुकानों के आसपास बगैर लाग खड़े बाइकों को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई की है। साथ ही कई वाहनों का ई चालान भी किया गया। उधर भदोही कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई की लोगों ने जमकर सराहना की है। लोगों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। ज्ञानपुर तहसील इलाके के दशरथपुर गांव में सरकारी सार्वजनिक भूमि पर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। इस बात की शिकायत करते हुए गांव के ही कमल चंद तिवारी ने उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि दुर्गेश पांडे व उमेश पांडे नामक व्यक्तियों ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद राजस्व कर्मी सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को बचा रहे हैं। साथ ही शिकायतकर्ता को धमकी दी जा रही है कि अगर शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। शिकायती पत्र देते हुए कमलचंद तिवारी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
चांदपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुल 3 लोगों को चोटें आई हैं, जहां लखनऊ गांव निवासी रमाशंकर ने तहरीर देते हुए उमेश, दीपक, अमित व अजीत के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में NCR दर्ज कराया है। आरोप है कि शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर इन लोगों ने रमाशंकर, लक्ष्मी व सोनम को मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने चारों के खिलाफ NCR दर्ज किया है। शुक्रवार को भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के NHM संविदा कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर DM दरबार पहुंचे और एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित DM को सौंपा। कहा कि काफी दिनों से तमाम मांगों को लेकर पत्र सौंपा जा रहा है, लेकिन सौंपे गए पत्र में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा कि यदि मांगों पर 25 नवंबर तक विचार नहीं किया गया तो संगठन के लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही कहा कि अगर इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं की गई तो भदोही जिले के समस्त NHM संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। पत्र देने वालों में सुरेंद्र पाल, विनोद मौजूद रहे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के आह्वान पर की गई। बैठक में विनोद कुमार गुप्ता सहित लाल बहादुर, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। कहा कि चतुर्थ श्रेणी के 15 सूत्री मांग पत्र पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। बैठक में वन विभाग में दैनिक वेतन कर्मचारियों की भर्ती को बहाल की मांग की गई। चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का प्रमोशन करने की भी मांग रखी गई। बैठक में कहा कि अभी तक भदोही में चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में प्रमोशन नहीं किया गया। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी शुक्रवार से शुरू हो गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पवन डोगरे ने दीप प्रज्वलित कर किया है। छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए चित्रों का शिक्षकों ने अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने चित्रों के माध्यम से जल संरक्षण, वन संरक्षण व बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। इस दौरान प्राचार्य ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। विद्यार्थियों ने चित्र के माध्यम से अपना हुनर दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। शुक्रवार को ज्ञानपुर के BRC कार्यालय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। ट्रेनर विजय शुक्ला व अंजलि जायसवाल द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षकों को बच्चों के प्रति शालीनता से पेश आने की बात कही। कहा कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को दी गई शिक्षा आजीवन उनके मस्तिष्क में बैठ जाती है। 2 कमरों में अलग अलग बैच चलाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण भदोही जिले के 6 ब्लॉकों पर चल रहा है। अपने आसपास की खबरें सत्यम न्यूज को जरूर बताएं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबर अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 13 नवम्बर 1917 को प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि मुक्ति बोध गजानन माधव का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।